Hello friends, welcome back to my channel and thank you for watching the video. तो अभी आपने जो एक मिनट का ये वीडियो देखा है, मैं उसके बारे में आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ. So this is the campaign which I have started recently and it is about the plastic management system that I want to generate. And मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें और इस चैनल पे हुए इस मोटिव को सपोर्ट करें. So मेरा जो मोटिव है, दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ ज़ीरो प्लास्टिक एनवायरमेंट फॉर एवरीवन. सो हम इस एनवायरमेंट को कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जिसका पहला स्टेप हमारे घर से ही स्टार्ट होता है. शायद हम लोग और आप हम सब लोग बहुत सारे चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं घर पे और ये भूल जाते हैं कि हम अपने ही घर पे कितने परसेंटेज प्लास्टिक यूज़ करते हैं. अगर मैं अपने ही घर की बात ले लूँ तो आई हैव सीन कि मेरी मदर बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक्स यूज़ करती है टू कीप वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग. सो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट करा है प्लास्टिक्स को ज़ीरो करने के लिए, आई नो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, बट ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते हैं. तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम ये छोटा सा स्टेप अपने घर से ही स्टार्ट करें और प्लास्टिक कंजप्शन को बहुत ही मिनिमम कर सकते हैं, तो शायद हम कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकते हैं. और प्लास्टिक मैनेजमेंट जो हम बहुत सारे मुद्दे में सुनते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम अपना कुछ परसेंट हेल्प भी कर सकते हैं. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द स्टैटिस्टिक्स पार्ट की, जैसे कि आपको पता है कि प्लास्टिक से क्या हो सकता है और क्या हो रहा है और वो कैसे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे सी एनिमल्स को इम्पैक्ट कर रहा है, उनके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, अपने पॉल्यूशंस कैसे क्रिएट करता है, एनवायरनमेंट में क्या क्या खराब चीज़ें करता है, तो उस सब में मैं जाना ही नहीं चाहती. क्योंकि आई थिंक आप लोग सबको पता है कि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो डिग्रेड नहीं होता है, रिसाइकल नहीं होता है, बट फिर भी हम उसे डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं. तो अगर सिंपल सा ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ और इसके बाद जो आप ये देखेंगे उससे आपको लग ही जाएगा कि हमारे ही घर पर हम कैसे प्लास्टिक का यूसेज बढ़ाते हैं रोज़ और बाद में लेके उन्हें प्लास्टिक्स को लेके डस्टबिन में फेंक देते हैं, जो फर्दर कहीं ना कहीं आगे जा कर सी या फिर बहुत जगहों पे ऐसे फैलता रहता है और ऐसे ही पड़ता रहता है और बाद में उससे बहुत सारे हार्मफुल डिजीजेस भी इन फ्यूचर हो सकते हैं, जो पोल्यूशन भी क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे आगे मुद्दों को भी उठा सकता है जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज अभी नहीं है. तो उस सब से बचने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. सो प्लीज़ वॉच इट एंड गिव योर व्यूज़. सो मैं नेक्स्ट अपने ही घर से ये चीज़ें स्टार्ट करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि कैसे मेरे घर पर प्लास्टिक्स यूज़ होता है और कैसे मैं उस मुद्दे पर अभी लड़ रही हूँ ताकि मेरे घर से प्लास्टिक ज़ीरो हो, ताकि आप अपने घर पर भी प्लास्टिक का कंजप्शन ज़ीरो कर सकते हैं और हम इस मुद्दे को और आगे बढ़ा सकते हैं और ऐसे छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं और प्लास्टिक कंजप्शन को ज़ीरो कर सकते हैं.